इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, यहां पे हमें दिया गया डिफरेंशिएट करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक। तो सपोज पहले वाई मान लेते हैं हम इसको, तो लेट वाई इक्वल्स टू, लेट ठीक है वाई इक्वल्स टू दिस वन। लेकिन ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का केस है, आप सोचो एक्स की जब वैल्यू प्लेस करोगे तो ये सारी, पहले ये पूरा ऑपरेट होगा, फिर जो वैल्यू आएगी वो आपका कॉस ऑपरेट करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो कॉस के अंदर है उसे यू एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट u इक्वल्स टू लॉग ऑफ x प्लस ई की पावर x, और ये y क्या हो जाएगा आपका cos of u हो जाएगा, ठीक है। तो y u का फंक्शन हो गया, सिंगल वैल्यू वेरिएबल, सिंगल वैल्यू फंक्शन हो गया, ठीक है। और ये आपका सिंगल वेरिएबल फंक्शन हो गया, ये u भी सिंगल वेरिएबल फंक्शन हो गया x का। तो y को हम लोग u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो यहां लिख देंगे डिफ्रेंशिएटिंग With respect to, differentiating with respect to u, तो d by क्या लिखेंगे, du लिखेंगे, किसको y को, that is d by du of cos of u, और cos का differentiation minus sin u होता है, ठीक है। लेकिन ये तो हो गया differentiation, लेकिन u हमारा dummy variable था, इसको replace कर देंगे original variable से, तो u था क्या आपका log of cos, log of e की power x, तो माइनस साइन ये अंदर आ जाएगा आपका लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स, दैट इज योर फर्स्ट रिजल्ट विच इज डी यू डीवाई बाई डी यू। नाउ जो यू है आपका उस एक्स का फंक्शन है, तो हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा d by dx of u, that is equals to d by dx of log x plus e की पावर x, तो ये अलग अलग डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, है ना, एलजेब्रा डिफ्रेंशिएशन की, d by dx of, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 by x और e की पावर x, तो e की पावर x होता है, ठीक है। तो आप इसको अगर थोड़ा सा और सिस्टमेटिक लिखना चाहते हो, एलसीएम ले लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस, इसके नीचे तो 1 है, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो x e की पावर x होल अपॉन क्या हो जाएगा x, योर सेकेंड रिजल्ट, दैट इज योर डी यू बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स क्या है आपका, तो सिंस dy बाई डी एक्स जो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, दोनों चेन को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो दोनों रिजल्ट आए हैं dy बाई डी यू इंटू क्या हो गया आपका du बाई dx हो गया, तो dy बाई du फर्स्ट रिजल्ट से, तो ये हो गया आपका माइनस साइन log ऑफ x प्लस e की पावर x इंटू आपका हो जाएगा, ब्रैकेट में कर देते हैं, ठीक है, 1 प्लस x e की पावर x अपॉन x, दैट इज योर आंसर, ठीक है।